नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। जय हिंद। हरियाणा अपडेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज फौजी। आज गांव खेड़ी के अंदर जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये बाबा भोड़ागिर का स्थान है, बड़ा ही मशहूर स्थान है और बाबा हर तरीके से गांव के जो बासिंदे हैं उनकी या आसपास के जो गांव के हैं, मैं ये बोलूंगा सारे जहां की, बाबा यहां पे मदद करते हैं और खासकर फौजी आदमी की। तो यहां पे जो महानुभाव खड़े हुए हैं, जो गांव के एक मैं ये बोलूंगा जो अहदेदार हैं जिनकी जवाबदारी है यहां काम कराने की, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से यहां पे बाबा की जो महिमा है और बाबा यहां पे किस प्रकार से आए हैं, बाबा की महिमा के बारे में थोड़ा सा पूछने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें और बाबा यहां पे किस प्रकार से आए उनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करें। मैं कैप्टन ओमपाल सिंह, कमेटी के प्रधान। ये बाबा भोलागिर जो है एक रहबारी परिवार से, इनके पिताजी और दो भाई थे, एक बाबा बिश्ना और एक बाबा सरदार सिंह। उसके बाद बाबा बिश्ना जो है वो महात्मा बन गए और इनके जो वो बच्चे उतर जाते थे या लड़कियां होती थी, लड़का हुआ नहीं था, तो माताजी ने इनसे कहा कि आप तो महात्मा बन गए और हमारी नामना कैसे चलेगी। तो बाबा विश्वनाथ ने बोला कि ठीक है, एक आपका लड़का होगा जो आपकी नाम नाम चलाएगा और हमारी नाम नाम चलाएगा। इसके बाद बाबा भोलागिर की शादी हुई, जिनके दो लड़के और एक लड़की हुई और उनका पालन पोषण करने के बाद फिर उनको पहले तो उनकी रुचि तो भक्ति में शुरू से ही थी, लेकिन बाद में उन्होंने ठान लिया कि अभी मैंने महात्मा ही बनना है और वो अपनी तपस्या के लिए निकल गए थे। फिर उसके बाद बाबा नारायणगिर ने सोचा कि भाई ये परिवार का आदमी है, बच्चे हैं इसके, उनको कैसे न कैसे लेके आए, लेकिन उनने अपनी सिद्धता दिखा दी बाबा नारायणगिर को और फिर वो बाबा नारायणगिर ने गांव वालों कहा कि नहीं अभी ये सिद्ध पुरुष बनेगा और इसको महात्मा ही बनने दो। तो बाबा नारायणगिर ने इनको अपना चेला बना लिया और तब से इनकी मान्यता चलती आ रही है। ठीक है, ये साहब और भी यहाँ पे जो बाबा हैं उनकी कोई महिमा हो इस प्रकार की आप बताना चाहते हो? बाबा नारायणगिर की थी जी, बाबा जो बस बाबा भोलागिर का अंकल जी था, वह बहुत पुराने महात्मा थे, बहुत सिद्ध महात्मा थे। आप भी जी जो आप इस आश्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो बाबा जो नारायणगिर थे ने, जो भोलागिर के जो चाचा लगते थे वैसे, ये उन्हीं की देन है। उनका यहाँ पुराना स्थान था, उसके बाद इन्होंने इनको चेला बना लिया और जब से इस बाबा की हमारे गांव के आड़ोस पड़ोस के गांव में काफी मदद करते हैं। बच्चों ने जो फौजियों को जो सियाचिन के अंदर भी कहीं भी जो टाइगर हिल पे लड़ाई हुई, उन बच्चों की काफी मदद किया, उनको दिखता खड़ा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार ओम प्रकाश है। कहाँ से हो आप? खेड़ी तलवाना। खेड़ी तलवाना। आज ये प्रोग्राम हुआ है, बाबा की मूर्ति स्थापना की है। कल प्रोग्राम कराया था जी हमने पूरे खेड़ी गांव के अंदर, बाबा नारायणगिरी महाराज और बाबा ज्ञानगिरी महाराज की पूरी गांव के अंदर परिक्रमा की जी, कल परिक्रमा लगाई थी जी। आज सुबह 8:15 बजे हवन करवा करके उसके बाद में बाबा भोलागिरी महाराज, नारायणगिरी महाराज और ज्ञानगिरी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके ने मूर्तियों की स्थापना की। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पे ये आश्रम है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये खेड़ी तलवाना के अंदर बाबा भोलागिरी महाराज के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है जी। इनके गुरु नारायणगिरी महाराज थे जी, उनके गुरु ज्ञानगिरी महाराज थे जी। सबसे पहले यहाँ पर ज्ञानगिरी महाराज ने आकर के धूना लगाया था जी, और खेड़ी गांव के ही ये रहने वाले थे जी ज्ञानगिरी महाराज, और बाबा भोलागिरी महाराज भी खेड़ी गांव के ही रहने वाले थे जी। कारगिल युद्ध के समय जी मैं सेना के अंदर प्रेजेंट था जी, और उड़ी के अंदर मेरी सेवा थी जी। क्या पोस्ट पे थे सर? मैं उस समय होलदार के रैंक के सर था जी। उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल हमारे से थोड़ा सा ही दूर है उड़ी सेक्टर से, जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा था वह पीर पंजाल की पार्टियों से संबंधित है जी। उस समय में जो दूसरे भी मेरे साथी, हम जैसे भोलागिरी महाराज की गाथा गाते थे तो वो याद करते थे, उन्होंने भी उस समय भोलागिरी महाराज को याद किया है कारगिल लड़ाई के अंदर, तो उन्होंने भी
बाबा भोलागिरी महाराज ने भी उनका साथ दिया है और साथ साथ प्रमाण दर्शन दिया है। वो लोग कारगिल युद्ध के बाद में बाबा भोलागिरी महाराज के आश्रम के ऊपर इनके लिकर का इस्तेमाल होता है जी, और लिकर इनके ऊपर चढ़ दिए तो उनकी काफ़ी आकर के ने लिकर यानी दारू चढ़ाई है जी प्रसाद के तौर पर। ठीक सरपंच साहब, आज श्री राम जी, जय श्री राम। जो आपके बाबा भोलागिरी पे ये मूर्ति स्थापना हुई है तो गांव में बहुत ज़्यादा जोश है, इनकी बहुत आशीर्वाद बता रहे हैं गांव में, तो इनकी कुछ कथा बताओगे हमें? देखिए जी, जो गांव की भूमि खेड़ी तलवाना है ये प्रारंभ से ही ऋषि मुनियों का विशेष तौर पर कर्ता और आशीर्वाद रहा है गांव के ऊपर। और जैसे कि अपना जो कश्मीर के अंदर अब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी बाबा भोलेगिरी जो थे वो साक्षात्कार दर्शन दिए थे, अनेकों जो भी सैनिक अपने सेना के वहाँ पे थे जवान। और इसके अलावा भी अन्य जगह जगह पर ऐसे चमत्कार होते रहे हैं गांव के भूमि के तलवाना में, और हम बाबा के प्रति विशेष श्रद्धा और आशीर्वाद हमेशा ही प्राप्त है और आगे भी रहेगा समस्त ग्रामवासियों। एक हमें सुना है कि बाबा भोलागिरी नाथ जी के आशीर्वाद से गांव में सुख शांति भी बहुत रहती है और सेना में पूरे गांव में लगभग भर्ती हैं। हाँ जी, अपना हरियाणा का नहीं लगभग कहेंगे पूरा देश भर का सर्वाधिक सैनिक देने वाला गांव जो है वो भी मिथिल तलवाना है। इससे पहले भी काफ़ी न्यूज चैनलों के ऊपर इस गांव की यात्रा जो है वो गाई जा चुकी है और आसपास का क्षेत्र तो इस बात से भली भांति वाकिफ है जी। पहले क्यों हमें एक और भी सुना है कि जो भी जैसे मेडल लेता है या कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले भोलागिरी महाराज पे आते हैं। देखिए जी, कोई भी शुभ कार्य होता है वो अपने जो ऋषि मुनि हैं जो भी हमारे गिरिपंथ के ये अपने महाराज जी हैं इनकी विशेष कृपा है। सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत होती है, कोई भी हमारा जैसे कोई सेना से मेडल लेके आता है तो बाबा के चरणों में भेंट अर्पित करके उसके बाद ही उस मेडल को वो स्वीकार करता है।